जी विजेंद्र वालों, घर ढूंढ रहे हो? तो व्हाट्सअप गाइस जी, क्या हाल है सबकी? होप करता हूँ जी सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच आप सभी का लवली रिस्पॉन्स के वीडियोस पे। आज जी मैं पीयूष कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो की तरफ से बहुत ही प्यारे घर का व्लॉग लेके आया हूँ। 9 मरले का घर है, 4 BHK घर है, मतलब 4 बेडरूम मिल जाएंगे। बहुत सुंदर बना हुआ है, ऐसा घर आपने पहले नहीं देखा होगा इस साइज के अंदर। हर एक फैसिलिटी इस घर में आपको अवेलेबल हो जाती है। लोकेशन की बात करें तो जी, जो हमारी जलंधर की फेमस शार्टफुटी रोड है उसके बहुत ही नियर बाय है। क्यूरो मॉल जस्ट 1 किलोमीटर है और मॉल टाउन जो मेन मार्केट रहती है वो 2 किलोमीटर की दूरी की मिल जाती है। बहुत ही सुंदर है हर एक चीज़। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, एक सपनों का घर होता है, ये वो वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो जो चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने चल रही हैं, आप कॉलिंग नंबर वगैरह सब कुछ सामने मिल जाएगा। तो जी वीडियो को करते हैं शुरू। जो जो एक चीज़ बतानी थी कि अगर आपको घर चाहिए फुली फर्निश्ड, आपको फुली फर्निश्ड मिल जाएगा। अगर सेमी फर्निश्ड चाहिए, आपको सेमी फर्निश्ड अवेलेबल हो जाएगा। बाकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं घर के एलिवेशन से। कितना ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, कहीं पे पत्थर आप देख सकते हो, पत्थर की क्वालिटी कितनी सुंदर लगी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने खोल के क्यों रखा है, आपको पार्किंग की स्पेस बताने के लिए। पार्किंग की स्पेस डिसेंट साइज़ की SUV साइज जो पार्किंग होती है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा अगर हम अंदर आके साथ में देखें, अंदर आते साथ में आपको एक छोटी वॉशिंग एरिया टाइप बोल सकते हैं, 2 टैप्स लगी हुई हैं, प्लस साथ में हमारे 2 व्हीलर्स के लिए एक डिसेंट साइज़ की पार्किंग अवेलेबल हो जाती है। अब ये जो हमारा रेलिंग गेट है, ये रेलिंग गेट के ऊपर डीको पेंट हुआ है, जो कि इस गेट के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब कहने का ये मतलब है, हर एक काम जो हुआ है सारा ब्रांडेड हुआ है, अच्छी क्वालिटी का काम इस घर के अंदर आपको किया के मिल जाता है। अब अगर हम बिल्कुल 360 घूम जाएं, या पत्थर का डिज़ाइन देख लो कितना सुंदर है। जो हम बोल रहे हैं ना कि ब्रांडेड काम किया है, वो इस चीज़ से डिपिक्ट होता है कि कितना ब्रांडेड काम किया है। इवन आप स्विचेस की क्वालिटी देख लो, किस तरह के स्विचेस मिल जाते हैं। और स्विचेस के बाद अगर हम वापस घूम जाएं, जो हमारी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स का एरिया हम यहीं से आपको बाहर से ही अवेलेबल हो जाता है, ताकि आप अगला पोर्शन को, जो ऊपर वाला पोर्शन है, उसको अगर डिफरेंट तरीके यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। अब जी चलते हैं अंदर। अंदर मेन जो मैजिक है इस घर का वो आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर घर आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। घर की क्वालिटी देखो, हर एक चीज़ किस तरह इस घर में मैनेज हुई हुई है आप देख सकते हो। ये चीज़ देखो, ऊपर की सबसे पहले सीलिंग आपको दिखाता हूँ। सीलिंग में मिलता है आपको मिरर इफेक्ट, जहाँ से आप बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो, या बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। शैंडलियर लगा हुआ है, प्लस इसी के अंदर एक आपको फैन मिल जाता है। उसकी क्वालिटी देखो कितना ही सुंदर है। हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपर वे से बनी हुई है। बहुत अच्छा सोफा सेट आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाता है। हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे वुडन इफेक्ट आपको मिल जाएगा। हर एक चीज़, मतलब कहने का ये मतलब है, हर एक चीज़ इस घर के अंदर आपको कंप्लीट होकर अवेलेबल हो जाती है। प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। ये चीज़ देखो, प्रॉपर जो मैचिंग आपको सारा यह है, वुडन का इफेक्ट मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे जो प्रॉपर सॉफ्ट कुशन टाइप लगा हुआ, लाइट्स लगी हुई है, मतलब लाइट्स की क्वालिटी ही बहुत अच्छी है। लाइट्स देखो, इवन अब आते हैं हमारा जो घर का हार्ट होता है, एक घर की लेडी का हार्ट होता है, वो होता है किचन। किचन है आगे हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस घर का। किचन में देखो प्रॉपर चीज़ लगी हुई है। किचन की सीलिंग देखो, प्रॉपर प्रोफाइल लाइट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सुंदर लाइटिंग इफेक्ट है। यहाँ पे आता है आपका ब्रेकफास्ट टेबल, जहाँ पे अपना चॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, इवन ब्रेकफास्ट भी अपना बैठ के यहाँ पे आप खा सकते हो। किचन के अंदर आपको प्लस पेंट्री मिल जाती है, अपना बार वगैरह जो आप बनाना चाहो बना सकते हो। प्लस इसके अंदर देखो प्रॉपर लाइटिंग का इफेक्ट है, जो इसमें विंडोज हैं इसके अंदर प्रॉपर टिंटेड वाली मिल जाती हैं। माइका प्रॉपर मैचिंग आपको मिल जाता है, प्लस प्रोफाइल हैंडल्स मिल जाते हैं। प्रोफाइल हैंडल्स का बेनिफिट क्या है, अगर आप नॉर्मल हैंडल्स यूज़ करते हो वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, पर प्रोफाइल हैंडल्स में आपको जल्दी इशू आता नहीं है। 2 आपको यहाँ पे सिंक अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत अच्छा। चिमनी मिल जाती है, आपका स्टोव मिल जाता है, उसके साथ ही आपको कनेक्शन मिल जाता है सिलेंडर का, जो आउटर साइड ही है, बस यहाँ से कनेक्ट हुआ हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव फैक्टर नोट। यहाँ से आपको जगह मिल जाती है जहाँ से आप बाहर देख सकते हो क्या हो रहा है, कौन अंदर घर के अंदर आ रहा है। प्लस एक एयर की वेंटिलेशन की स्पेस है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे जाके लॉबी से ही जाना पड़ेगा। लॉबी की होता है ना, मेरा दिल ही आ गया, इतनी सुंदर लॉबी तैयार हुई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक मिरर इफेक्ट मिल जाता है। घर में मिरर्स बहुत सारे हैं। मिरर से क्या होता है, आप आते जाते हैं अपने आप को देखते हो और आपको अच्छा फील होता है बहुत ज़्यादा। ये देखो प्रॉपर मिरर मिल जाता है आपको, अच्छे इफेक्ट का होता है। हर एक चीज़ ना बहुत ही हैपनिंग और मज़ेदार है। आगे आप चलते हैं, आगे घर का जो मेन एरिया है वो होता है हमारा ड्राॅइंग रूम। ड्राॅइंग रूम में आपके गेस्ट आते हैं, उनको बिठाते हो, एक अच्छी वाइब आती है। ये आप चीज़ें देख लो, एक ड्राॅइंग रूम को कितना पॉजिटिव फैक्टर देती हैं ये सब चीज़ें। ये डिज़ाइन देखो, पंखा कितना सुंदर डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी कर्टन्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप सीधा बाहर का लुक आता है। सेम वेंटिलेशन और लाइट का एरिया आपको मिल जाता है, आराम से आप बैठ सकते हो। टेबल की क्वालिटी देखो कितनी सुंदर क्वालिटी है, आराम से बैठ के आप हर एक चीज़ का एंजॉय कर सकते हो। ऊपर फिर से प्रोफाइल लाइट, उसके बाद शैंडलियर में सेम फैन जो आपको बाहर दिखाया, वो सेम फैन आपको यहाँ पे लगा के मिल जाता है। तो जी मिल जाता है हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम। बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड, जिसको सागवान की लकड़ बोलते हैं, वो आपको लग के यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अब आओ रूम के अंदर। रूम के अंदर बहुत अच्छा एक फील, एक वाइब जिसको बोलते हैं, वो बनी हुई है। यहाँ पे सिटिंग का एरिया भी बनाया हुआ है एक्स्ट्रा। रूम के अंदर जी आपको एक OTS की स्पेस मिल जाती है, जो दोनों ही रूम से अटैच होती है, जहाँ से लाइट भी आती है, प्लस फ्रेश एयर भी जो आपके घर के अंदर आराम से आ जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर में डिनोट करता है। सीलिंग की बात करें, वुडन पैनलिंग मिल जाती है,
बहुत सुंदर डिजाइन आपको तैयार होकर मिल जाता है, जो घर के अंदर एक बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। प्लस एलईडी के साथ टीवी कंसोल्स मिल जाते हैं, जहां पे अपना सारा जैसे प्ले स्टेशन, गेमिंग जोन, अब गेमिंग का जो सारा सामान हो गया, अपना कैमरा का सामान आप लगा सकते हो। प्लस इसके अंदर और एक फीचर हुआ है, वायरिंग सारी कैमराज की डली हुई है, जिसके अंदर फायदा क्या मिलता है, आप बाहर अपने बाहर वाली एलईडी पे भी अपने कैमराज देख सकते हो, चेक कर सकते हो। इवन आप अगर अपने कमरे के अंदर बैठे हो, आप चेक कर सकते हो इस टाइम की बाहर कौन है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अब जी आते हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब फर्स्ट बेडरूम से डिफरेंट है हर एक चीज। ये नहीं कि फर्स्ट बेडरूम अच्छा बना दिया, सेकंड अच्छा नहीं बनाया, सेकंड डबल अच्छा बनाया इसको हम बोल देते हैं। बहुत ही सुंदर, ऊपर देखो सीलिंग देखो कितनी सुंदर बनी है, पीवीडी मेटल्स की जो सारी रेलिंग आपको मिल जाती है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। देन आते हैं हमारे बेड्स। बेड्स के अंदर फिर से आपको मिरर इफेक्ट मिल जाता है, प्लस एक सॉफ्ट टच का है जो कि बहुत अच्छा है, प्रॉपर मैचिंग साथ में आ रही है। उसके बाद जी एलईडी के कंसोल यहाँ पे भी आपको लगा हुआ मिल जाता है, यहाँ पे अपना स्टोरेज कर सकते हो एलईडी के रिलेटेड जो भी आपको चाहो, बहुत सुंदर है। प्लस ये चारकोल्स लगे हुए हैं, बहुत सुंदर डिजाइन है, वुडन का इफेक्ट जो देखते हैं। बाद जी जो बेड के पीछे आपको दिखाया वो एक वीनियर है और प्रॉपर पॉलिश्ड हुआ हुआ है, मतलब हर एक चीज़ का एक फीचर है इस घर के अंदर, मतलब हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के डिज़ाइन की हुई है। सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को सीलिंग, सीलिंग के अंदर जो लाइट्स उन्होंने लगाई है ना, एक लाइटिंग इफेक्ट आता है, वो बहुत प्यारा आ जाता है। देन अगेन वॉकिंग वार्डरोब साथ में आपको मिल जाती है, वार्डरोब के अंदर साथ ही आपको मिलता है कनेक्टेड वॉशरूम। कनेक्टेड वॉशरूम एक बहुत प्यारा फीचर है, आपको दिखाता हूँ। वॉशरूम के अंदर ये वॉशिंग कंसोल जो हैंड वॉशिंग कंसोल है, बहुत सुंदर है, ये हैंडमेड है सारा का सारा, वो नहीं कि उठा के लगा दिया, हाथों से प्रॉपरली बनवाया गया है और बहुत सुंदर है। और वॉशरूम के अंदर फिर से हर एक जो बाथ फिटिंग है वो बहुत ब्रांडेड वाली लगाई हुई है। अब जी हम चलते हैं ऊपर, नीचे का आपको सारा दिखा दिया, अब ऊपर जाके दिखाते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। नीचे तो सुंदर है ही है, ऊपर चलते हैं। ऊपर सबसे पहले अगर स्टेयर्स में देखोगे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट मिल जाता है। ग्रेनाइट का कलर ब्लैक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर जैसे ग्रे टाइप और ब्लू एक फेड मिल जाता है, जो कि ब्लैक के साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है। बाकी अगर आप आ जाओ ऊपर मेरे साथ, ऊपर देख लो जो हम नीचे से आपको स्ट्रक्चर सारा दिखा रहा था, ये कितना सुंदर लगता है। यहाँ से एक ओपन एरिया मिल जाता है, जहाँ पे अपना आप टेबल चेयर लगा सकते हो, यहाँ एक छोटी सी फर्निशिंग कर सकते हो अपने घर में बैठने के लिए। जैसे अभी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इसी मौसम का हम मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे आराम से बैठ के। ऊपर अगर सीलिंग की बात करें, सीलिंग में आपको HPL शीट मिल जाती है, जो कि प्रॉपर वुडन का इफेक्ट देती है। और लाइटिंग फिर से आपको दिखा दूँ, ये सारी लाइटिंग सारी की सारी ब्रांडेड है। इवन ये लाइटिंग जहाँ से चलती है, ये आप स्विचेस की एक बार क्वालिटी देखो आगे की, स्विचेस कितनी अच्छी क्वालिटी के हर एक रूम के अंदर सेम है। ऐसा नहीं किया गया ऊपर कम लगाए हैं, ऊपर नीचे अच्छे लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं। टेंपल एरिया यहाँ पूजा रूम बोल देते हैं, यहाँ पे हमारा पूजा रूम है, जहाँ पे आप वर्शिप कर सकते हो अपने गॉड को सुबह उठ के। मतलब एक अच्छा मौसम के साथ साथ ये भी आपको अवेलेबल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट रूम, और रूम कितना सुंदर है, आप पहले जाके देखो कितनी अच्छी क्वालिटी का आपको रूम मिल जाता है। रूम में देखो मैचिंग आपको बेड मिल जाते हैं, उसके बाद मैचिंग आपको टाइलिंग मिल जाती है। ये आपका एलईडी का एरिया, यहाँ पे एक कबर्ड प्रॉपर बना हुआ है आप सबके लिए। उसके बाद ये देखो बेड्स की क्वालिटी चेक करो, कितनी सुंदर क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी के बेड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ऊपर की सीलिंग चेक करो, कितनी सुंदर सीलिंग बनी हुई है, प्रॉपर लाइटिंग का इफेक्ट है। और वही बात है कि ब्रांडेड चीज़ें लगी हुई हैं। फैन की क्वालिटी देख लो, किस तरह का फैन रहते हैं, पीछे टाइलिंग कितनी सुंदर हो जाती है। प्लस इधर आओ, ये चीज़ें डिज़ाइन देखो, कितना ही सुंदर यहाँ पे लगाया गया, ये सब कुछ इंक्लूड ही है। प्लस एक चीज़ बताऊँ कि ये बिल्डर की कोठी नहीं है, ये एक सेल्फ डिज़ाइन कोठी है, किसी ने अपने खुद डिज़ाइन की है, खुद अपने दिल से रूह से अपने बनाई है घर, ठीक है। अगर हम घूमते हैं 360 घूमने के बाद हमें वेंटिलेशन और लाइटिंग का एरिया मिल जाता है। कहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन और लाइटिंग का एरिया होता है वो जगह बहुत पॉजिटिव होती है, तो वो फैक्टर बहुत इंक्लूड करता है। अब कनेक्टेड रूम के साथ आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाती है, उसको आप वार्डरोब बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल उसको नहीं यूज़ किया गया, अगर आप चाहो तो वो कर सकते हो। देन आता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्लैक एंड जो ग्रे की टाइलिंग की मैचिंग है, ब्रांडेड बाथ फिटिंग्स होती हैं जैगुआर की, वो सारी इंक्लूड होकर मिल जाती हैं। शावर देख लो, प्रॉपर जो आजकल के स्टाइल में नॉर्मल शावर आपने देखे होंगे, आजकल के स्टाइल से जो चल रहा है वो वाला शावर यहाँ मिल जाता है आपको। अब जी हम चलते हैं बाहर, कमरा आपको पूरा दिखा दिया, अब आगे बहुत कुछ है अभी दिखाने वाला, वेट करो, जाना नहीं कहीं पे भी। यहाँ से सब पहले डोर खोलते हैं, डोर के अंदर काफ़ी सारी स्पेस मिल जाती है, प्लस बारिश हो रही है जी, मौसम का मजा लो साथ साथ वीडियो के। बहुत ही ओपन स्पेस एक आपको मिल जाती है, जहाँ पे अपना मॉर्निंग योगा कर सकते हो, मॉर्निंग टी पी सकते हो, मतलब एक अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको। बाहर बाहर से पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, इस साइड पे आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाता है, देन उस साइड पे एक आपको किचन मिल जाती है ऊपर साइड के लिए, प्लस एक स्टोर रूम भी आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर आप वहाँ से ऊपर जाओगे तो प्रॉपर जो टेरिस एरिया होता है, वो जो टैंक वाला सारा सामान होता है, वहाँ पे आपको लगा मिल जाता है। तो जी अंदर चल के आपको मैं पूरा रूम दिखाता हूँ, रूम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, किड्स बेडरूम भी बोल सकते हैं, एक डिसेंट साइज है बेडरूम का। जैसे आपको बताया कि सेमी फर्निश चाहिए तो सेमी फर्निश मिल जाएगा, फुली चाहिए तो फुली मिल जाएगा, प्रॉपर रूम तैयार है। रूम के साथ आपको मिलता है कनेक्टेड वॉशरूम, जैसे 4 BHK घर है, हर एक रूम के साथ एक वॉशरूम आपको मिल जाएगा। सेम
फिटिंग्स की कोई चेंज नहीं रहेगा, हर एक चीज ब्रांडेड जैसे शुरुआत में थी एंड में भी ब्रांडेड ही आपको मिल जाएगी। तो हमने घर की सारी डिटेल्स आपको बता दी, कई सारी चीजें थी जो बताने वाली थी, पर कई बार छोटी छोटी चीजें होती हो रह जाती हैं, उसके लिए सॉरी। उसके लिए आप कर सकते हो हमारा कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो विजिट कर सकते हो, जो कि छाट फटी रोटी अवेलेबल है। आने के लिए अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको लोकेशन अवेलेबल हो जाएगी। बाकी हमारे नंबर सामने चल रहे हैं, किसी भी तरह की आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, आप यहाँ पे आके कर सकते हो। फ्लैट्स लेना है, घर लेने हैं, कोई भी इशू नहीं है, हर एक चीज़ मिल जाएगी। हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, फेसबुक पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी तरह की वीडियोस अब आपको रेगुलर मैं देता रहूँगा, आता रहूँगा ऐसे हर एक हफ्ते, बहुत सुंदर सुंदर घर आपके लिए लेके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन जो होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। हर हफ्ते आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, उसके अलावा आपको रील्स मिलती रहेंगी जो मिलेंगी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, वो आप उधर जाके फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चलते हैं। We'll be right back.